देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बजट का समय नजदीक है। देश में हलवा सेरेमनी के साथ बजट की छपाई शुरू हो चुकी है। बजट से इस बार छोटे बड़े व्यापारियों को सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों में से एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है कि दिल्ली सहित देश भर के ज्वेलर्स और व्यापारियों के बाकी वर्गों को हजारों की संख्या में भेजे गए नोटिसों में अपील करने की तारीख को 31 जनवरी 2020 से आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि दिल्ली और देश भर में फैले व्यापारी सुविधा पूर्वक भेजे गए नोटिस के जवाब में अपील कर सके। कैट ने यह भी आग्रह किया है कि अपील करने के लिए पहले 20% पैसा जमा कराने के प्रावधान में भी रियायत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ कैट ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री रामविलास पासवान को एक अलग पत्र भेजकर आग्रह किया है कि ज्वेलरी पर लगने वाले हॉलमार्क के लिए लागू कानून की जटिलता में भी कुछ जरूरी बदलाव लाए जाएं। कैट ने साफ रूप से कहा है कि कैट किसी भी व्यक्ति के जरिए कानून का उल्लंघन करने का हिमायती नहीं है, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर की अभी की हालात को देखते हुए इस सेक्टर पर नए सिरे से विचार किया जाना जरूरी है। चलिए आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल नोटबंदी के बाद ज्वेलरी और बाकी व्यापारियों ने 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक जो नगद बिक्री की थी वो बैंक में जमा कराई थी, जो कैश बुक में दर्ज है। लेकिन आयकर विभाग ने नगद बिक्री को मान्यता नहीं देते हुए उस पैसे को अनएक्सप्लेन्ड मानकर आयकर की धारा 68 और धारा 69 के तहत टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया, जिस पर आयकर की धारा 115 बीई के तहत 60% की दर से आयकर लगाया और उस पर सरचार्ज भी लगाया गया। इसके अलावा एडवांस टैक्स कम जमा होने का ब्याज भी लगाया गया। इस प्रकार से विभाग के जरिए कुल मांग जमा धनराशि के बराबर होगी। लगभग एक महीने पहले देश भर में बड़ी संख्या में ज्वेलर्स और बाकी वस्तुओं के व्यापारियों को कर रिकवरी की नोटिस भेज दिए गए, जिसकी वजह से हर एक व्यापारी पर लाखों करोड़ रुपए की देनदारी आ गई है। इन नोटिसों के खिलाफ अपील करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 है और अपील करने से पहले व्यापारी को देनदारी का 20% पैसा विभाग को जमा करना होगा, तभी अपील मानी जाएगी। इसी की तारीख बढ़ाने के लिए कैट ने वित्त मंत्री से अपील की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जितने व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें बड़ी मात्रा में काफी छोटे व्यापारी भी हैं, जो कारीगरों से माल बनवाकर बाजार में बेचते हैं। वो मानते हैं कि कुछ लोगों ने कानून का दुरुपयोग करके टैक्स बचाने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन जिनको नोटिस भेजा गया है उनमें बड़ी मात्रा में ऐसे भी व्यापारी हैं जिनको नोटिस भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए कैट ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि इस समस्या के हल के लिए पहले तो अपील करने की तारीख आगे बढ़ाई जाए और उसके अलावा देनदारी राशि के खिलाफ अपील करने की राशि को कम किया जाए, जिससे निर्दोष व्यापारियों को न्याय मिलने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि बिना वजह किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए,